सच्ची खबर है कि हमें 100% यकीन है कि यही हमारी मान्यता है। पर बुरी खबर यह है कि मुरारी ने इतने साल उनके जहन में पता नहीं क्या अनाप शनाप भर दिया है। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो! खोलो! अरे खोलो! उन्हें सच का सामना करने में कोई है? थोड़ा वक्त लगेगा कोमल। This is ridiculous. आप तो बिल्कुल वक्त जाया नहीं करती मां साहब। एक घंटे में आपको यकीन भी हो गया कि यही लड़की मानने वाली है। हम तब से देख रहे हैं ये लड़की बदतमीजी में बदतमीजी किए जा रही है और आप करने दे रही हैं। मां साहब, हम समझ सकते हैं उस बच्ची के दिल पर क्या बीत रही है। हम चाहते हैं आप हमें उनसे मिलने की इजाजत दें। खोलो, कोई है? अरे खोलो! कोई? कोई है? हो सकता है हमसे मिलने के बाद उनका गुस्सा शांत हो जाए। बड़े यार रजवाड़े, आसमान से उतरे क्या? देवगढ़ के होंगे तुम ये घर पे। इन्हीं की तलवार से इन्हीं का सबक सिखाऊंगी। हाँ नहीं तो अगर कोई भी आगे आया तो उसे यहीं पे काट के रख दूंगी। लड़की, मुझे ऐसे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम सब बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम सब। पहले पहले तलवार ठीक से पकड़ना सीख लो, उसके बाद धमकी देना, समझी? फालतू में यहाँ पे खून खराब हो जाएगा। जाने दो मुझे ऐसे, जाने दो। देखो बेटा, पहले तलवार नीचे कर दो, आपको चोट लग सकती है। पहले मुझे मेरे पापा से मिलने दो। बेटा ये है आपके पिता। नहीं, मेरे पापा एक ही है, और अगर यहाँ पे किसी ने भी मेरे पापा मिलने की कोशिश की है ना तो उसे यहीं पे छिके काट दूंगी। हाँ नहीं तो। राजकुमारी ऐसे बात नहीं करती। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं बहुत ही डरावनी डेंजर लड़की हूँ। सर समझ गया ना, तो कुछ भी कर सकती हूँ। लड़की, आप सब मुझसे पंगे मत लो, तुम सब बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। इस घर के सब मर्द एक नंबर के बेवकूफ है। बस आप एक इकलौती है जो मुझे समझदार लग रही है, तो मैं जो कह रही हूँ समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं अभी आप पर करूँगी। आप मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए, उनको मिलने के बाद मैं भागूंगी नहीं, यहीं पे आके बैठ के आपकी बकवास सुनूंगी। इन्हें कुर्सी से बांध दीजिए। रुको, आगे मत आना, मैं कह रही हूं आगे मत आना, मार दूंगी, मैं मार दूंगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो ये सब? क्या कर रहे हो? छोड़ो।
ये इतना महंगा वास तुमने, ये जो कांच के टुकड़ों को तुम रौंद रही हो ना, ये सब बेशकीमती हैं, बेशकीमती। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर तुम इसी तरह जानवरों की तरह बर्ताव करोगी तो तुम्हारे साथ इसी तरह का सुलूक किया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सुना आपके पिता ने क्या कहा? तुम्हारी हर बदतमीजी को नजरअंदाज करते रहे हैं हम, तुम्हारी हर गलती को माफ किया हमने। देखिए देखिए, अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम भी आपका साथ देंगे। सबसे पहले तो ये जंगलियों की तरह बर्ताव करना बंद करो। तुम सब जानवर हो, मैं नहीं। तुम सबका साथ तुम्हें कभी नहीं दूंगी, उल्टा यहीं पे बैठ के तुम सबका खून करने की प्लानिंग करती रहूंगी। प्लान बनाती रहो, मगर अमल तब कर पाओगी ना जब इस कुर्सी से रिहा होंगी। मान्यता बेचारी इतनी डरी हुई थी और आपको सिर्फ अपने उस एंटिक फूलदान की पड़ी थी। बेचारी और डरी हुई जैसे लफ्ज इस लड़की के लिए इस्तेमाल करना कुछ ठीक नहीं लगता कोमल। अच्छा हुआ कि मां साहब और वो लड़की दोनों कमरे में अंदर बंद हो गए। इस लड़की को डांट फटकार के या जोर जबरदस्ती से काबू में नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ काबू सब्र से किया जा सकता है। और वो एक चीज है जो हम सब में से सबसे ज्यादा माँ साहब के पास है। मेनका, जिस तरह से आप बात कर रही हैं उससे तो ऐसे लगता है जैसे मान्यता कोई किला हो जिसे हमें फतेह करना है, या फिर कोई जंगली घोड़ा जिसे वश में करके हमें नाल पहनानी हो। वो हमारी बेटी है मेनका, और जिस तरह से आप बात कर रही हैं आपको जरा भी बुरा नहीं लग रहा? कोमल प्लीज, हमें माफ कीजिए पर हम इस बातचीत का हिस्सा नहीं बन सकते। महारानी जी, प्रॉब्लम कोमल नहीं है, प्रॉब्लम ये लड़की है। देखा ना आप सबने, कहती है कि हमें अपना पिता मानने के बजाय हमारा कत्ल करना ज्यादा पसंद करेगी, ऐसा कहती है। अंकल बिजराज, इस उम्र में लड़कियां ऐसी होती हैं, एकदम अड़ियल, बात बात पर बगावत करने के लिए तैयार, पर जितनी जल्दी उनकी रिबेलियंस, उनकी बगावतें शुरू होती हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। कुछ दिन उसको मखमल के बेड पे सोने दीजिए, पिज्जास और बर्गर खाएगी तो अपने आप से भूल जाएगी। आफ्टर ऑल इतने बड़े महल में रहने के बाद कौन जाना चाहेगा उस गंदे से चौल की तरफ। अंकल बिजरा, धीरे धीरे ये भी कंट्रोल में आ जाएगी, आप इतना टेंस क्यों हो रहे? हमें ना, हम संभालेंगे इसे। दादा, आपको एक बेटी की मिलने की खुशी के साथ साथ इस बात का गम भी होगा कि वो आपको पहचानने से इनकार कर रही है ना? मेनका, उसे हमारी बेटी मत बुलाओ, तुम मत बुलाओ उसे हमारी बेटी। ये जाहिल गंवार हमारी बेटी हो ही नहीं सकती, ये तो गली के कुत्ते से भी बदतर है। जो सामने दिखता है उस पर चीखती है, बिलकती है, दांतों से काटती फिरती है।
क्या बात कर रहे हैं आप दादा? ये लड़की एक सूर्यवंशी राजपूत है, उसके रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है। ये हमारी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है हमारी बेटी, नहीं हो सकती। उफ, पहला ही दिन और इतना टेंशन। वाह, नया नया बंदर है, सब लोग देखने आए होंगे कि ढंग से डांस करना आता भी है या नहीं। Who cares? You care, Jay. After all, आज यहाँ रोके वाले दिन से भी ज़्यादा प्रेस जो मौजूद है, right? Oh my lord, spare me the horror. मैं ये सब नहीं देख सकता। तुमने रामायण पढ़ी है? रामायण? कैकेयी की तरह रूठ कर बैठी हो, तुम्हारे पास तो खुद की मंत्रा भी है। रामायण तो कई बार पढ़ी होगी तुमने। वैसे विजय बनना काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा हुआ यहाँ मुंबई आ गए, तुम्हें बहुत बिजी रखते होंगे ना। तुम हमारे रूम में क्या कर रहे होते? जे, अब हमारे बीच में ये बात हो गई, हम तुम्हें हाय बोलने के लिए भी नहीं आ सकते। हमारा तो रिश्ता है यार। रिश्ता था उदय, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। साली आधी घर वाली मुहावरा है, वो बात और है कि हमें अच्छा नहीं लगता। How dare you, उदय? तुम हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। Oh, come on, princess. इतना गुस्सा? तुम्हें हमसे नहीं, देवगढ़ एस्टेट से शादी करनी थी। तुम कितने खुदगर्ज हो। ये तो तुम हमारे बारे में हमेशा से जानते थी, right? और हम दोनों ही जानते हैं कि बचपन से हम पे सबसे पहला हक उस कमरे में बंद जंगली बिल्ली का है। You know what, Uday? तुमसे कोई भी बात करना, it's just pointless. क्योंकि तुम्हारे पास दिल तो है ही नहीं। तुम जब ये दिल की बात करती हो, तो कुछ अजीब सा साउंड नहीं होता? हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास भी दिल है। एक दिन से अंदर है, उसे रातों रात बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें, यहाँ तो कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा है। पैतरे का नहीं, अब सीधी बात करने का वक्त है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। भाई साहब, एक मिनट जरा बात सुनेंगे, एक मिनट प्लीज। देखिए, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग मोनिया से मिले बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए, हम कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते, बस एक बार जाके उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ ठीक हैं कि नहीं, बस। हो गया तेरा भाषण, हो गया, चल अब निकल यहाँ से, चल। परम सिंह जी, परम सिंह जी, एक आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मोनिया अगर आपकी बेटी, बहन या आपकी दोस्त होती और यूँ ही कुछ लोग उनको उठा के ले जाते, तो क्या आप उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते? मेरा काम सोचना नहीं है, मेरा काम इस महल की सिक्योरिटी करना है। और बंद कर तेरा ये चालूपना, निकल यहाँ से। चालूपना मैंने आपको अभी तक दिखाया कहाँ है? प्यार से बात कर रहा था अभी तक मैं आपसे। हाथों से भूख लाते हैं। कौन है वहाँ? ये लड़का राजकुमारी मान्यता से मिलने के लिए जिद कर रहा था। ओ, मजनू, इसे अंदर ले आओ। लेके जाओ इसे, लेके जाओ। जनाब आशिक, वेलकम वेलकम।
बस मैं उन्हें ऐसे 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ वो किस हाल में है या वो ठीक है कि नहीं। बस यानी तुमने अभी तक नहीं माना कि तुम्हारी चौल की गर्लफ्रेंड असल में कौन है। वो कौन है और कौन नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम लोगों ने उसको यहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ बंद करके रखा हुआ है और आज मैं उससे मिले बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वाह, सच्चा प्यार? सीरियसली, दिल छू लिया तुमने हमारा? तुम प्यार में इतने अंधे हो गए हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और मान्यता के बीच कुछ हो सकता है? उसका नाम मोनिया है। राइट, मोनिया, खुद पर एक एहसान करो लव अ बॉय, और ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। तुम्हारी मोनिया अब मान्यता है, राजकुमारी मान्यता, जो अब तुम्हारे उस छोटे से चौल की तरफ देखेगी भी नहीं। अफसोस, हर सच्ची प्रेम कहानी की तरह तुम्हारी कहानी में भी एक ट्रेजेडी है जिसका अंत भी सैड ही होगा, क्योंकि तुम और मान्यता हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए हो। चाहे जितनी ऊंची दीवारें बनवानी है बनवा लो, क्योंकि मैं और मोनिया एक दूसरे तक तो पहुंच ही जाएंगे। और देखो ना, आज भी मैं यहां अंदर तक तो आ ही गया ना। तुम्हें हमें थैंक्स कहना चाहिए जो हमने अपने गार्ड्स को तुम्हें पीटने से रोक दिया। बस तुम हो कि हमसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, नाड़ान। लड़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा ना। गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। मोनिया, 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 मोनिया। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें करूं या नहीं। क्या हुआ आकाश, तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया? मिली मोनिया सहू कैसे अब ये फासला, बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे बिन तेरे। सही वक्त पे मरहम ना लगाया जाए तो जिंदगी भर के लिए दाग रह जाते हैं। इधर आ, डायन कहेंगी मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ी है, इतने सारे दाग दूंगी तुझे, क्यों जिंदगी भर बैठ के गिनती रहेगी? बदतमीज लड़की, गलत थे हम,
गलत है जो सोच रहे थे कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी, इसीलिए तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जितना चीखना है चीखो, जितना ड्रामा करना है करो। अब आपसे इस कमरे में मिलने कोई नहीं आएगा। ये हमारा घर है मान्यता, यहाँ हमारे नियमों के हिसाब से रहना होगा, समझी? मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं है। वापस आ बड़ी भाई, मैं तुझे दिखाती हूँ मेरे नियम। जब मैं ऐसे निकलूंगी ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन चुन के मारूंगी। हाँ नहीं तो जब तक हम ना कहें किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, समझ गए? जी माँ साहब। खोलो मेरे हाथ, खोलो। उदय कैसे होगा, एक कोई इसे कैसे कंट्रोल करवाएगा? रिलैक्स डैड, हम बचपन से आपको चेस खेलते हुए देखते आ रहे हैं, ऐसी कोई चाल नहीं जिसका तोड़ हमारे पास ना हो। और रही बात इस लड़की की, तो ये लड़की तो सिर्फ एक मोहरा है रानी तक पहुंचने का। तो तुम्हारे इस खेल का अगला मोहरा कौन है? वेट एंड वॉच डैड, बिसात तो बस अभी अभी बची है। उस लड़की का चीखना चिल्लाना कुछ कम हुआ या आप भी लगी हुई है? उनका अच्छा भला नाम है ब्रजराज, और वो नाम हम सब ने मिलके रखा था, मान्यता। प्लीज वो लड़की कह के उन्हें मत बुलाइए। मान्यता ने खाना खाया? अभी उनके सामने कोई खाना लेकर जाएगा तो वो प्लेट उनके मुंह पे दे मारेंगी। थोड़ा शांत हो जाए फिर हम उनका खाना लगवा देंगे। हमने फैसला लिया है कि हम तभी खाएंगे जब वो खाएंगी। और हम भी आप लोग जिस लड़की के लिए इतना जज्बाती हो रहे हैं, उसे एक मौका मिलेगा ना तो इस टेबल पे लगे छुरी कांटे से हम सबका गला काट देंगे। हम जज्बाती नहीं हो रहे हैं ब्रजराज, हम वही कर रहे हैं जो नैतिक तौर पर सही है। ग्रेट, आप महान हैं मासा। हम सब खाना खा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, यानी कि जब तक मान्यता खाना नहीं खा लेती तब तक हमें से किसी को हक नहीं है खाना खाने का। ऐसी बात थी तो आपने हमें डिनर पर बुलाया ही क्यों? हमेशा की तरह आप हुक्म देती हैं, हम मान लेते। जय भाई, अब तुम भी इस मान्यता की वजह से खाना नहीं खाओगी? Not fair. सब लोग सच्ची फालतू लड़की के ना खाने से इतने परेशान हैं कि किसी ने इतना भी नहीं ध्यान दिया कि हम वहाँ खाने के लिए टेबल पर बैठे भी हैं या नहीं। Exactly. मान्यता, 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 इस लड़की ने तो हमारा जीना मुश्किल करके रख दिया है। ना हम महल के बाहर जा सकते हैं, ना हमारे दोस्त अंदर आ सकते हैं। कमरे में वो बंद है और हमें लग रहा है कि हमें जेल में डाल दिया गया है। अब तो हम शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। उफ, अब क्या करें? अब तो पिज्जा भी नहीं मंगा सकते।
बाहर गार्ड्स जो खड़े हैं, अंदर थोड़ी ना किसी को आने देंगे। किचन में फोन करके शेफ से कह देते कि हमारे लिए पिज्जा बना और रूम में भिजवा दे। तब तक के लिए कोई मूवी देखते हैं, थोड़ी देर चिल करते हैं। इसी बहाने उस जंगली लड़की पर से अटेंशन तो हटेगा हमारा, वरना तो मान्यता सुन सुन के हमारे कान पक गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कम ऑन जे, हमारे भी कान मान्यता सुन के पक गए। एक्चुअली हमें भी इस मान्यता नाम की बीमारी से थोड़ा ब्रेक चाहिए। लाइफ एक खेल है जे, कभी हम जीतते हैं और कभी कभी हार जाते हैं। इस बार तुम हार गए तो क्या हुआ, अगला राउंड तो अभी भी बाकी है। Just shut up, उदय। तुमने अभी तक हमारा गुस्सा देखा नहीं है। वो गुस्सा करना तो तुम दोनों बहनों की खानदानी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम कितने भी कोशिश करना कर लो, मान्यता के गुस्से का कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। यू नो व्हाट, जब वो हाथ पकड़ती है तो इतना कस के पकड़ती है कि अगर छुड़ाने जाओ तो खरोंच लग जाती है, और जब काटती है तो खून ही निकाल देती है। वाकई में दो धारी तलवार है तुम्हारी बहन। तुम्हें पता है अभी अभी देवगढ़ की पुश्तैनी तलवार लेके सबको मारने जा रही थी। यू नो व्हाट, ये मूवी का प्लान कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास तो लाइव टीवी सोप है, किस्सा देवगढ़ का। तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? थोड़ा और उकसाते, थोड़ा और इरिटेट करते, बड़ा मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम ठीक कह रहे हो, उसको देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसी तो है वो, तुम्हारी जैसी आंखें हैं पर उसमें तेज थोड़ा ज्यादा, तुम्हारी जैसी नाक पर उसमें गुस्सा थोड़ा ज्यादा, तुम्हारी जैसी सुंदर पर थोड़ी ज्यादा नेचुरल, कुछ ज्यादा नमक। अरे तुम जा कर रही हो? हमेशा के लिए इस ड्रामा को खत्म करने, जरा हम भी तो देखें कि हमारी प्यारी बड़ी बहन आखिर है कौन। मैरी चलो। सॉरी मैडम, राजमाता का आदेश है कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। और हमारा आदेश है कि इस दरवाजे को इसी वक्त खोला जाए। ये मैं नहीं कर सकता मैडम। तो ठीक, हम खुद ही कर लेते हैं। प्लीज मैम, हाथ हटाओ। मैम प्लीज, हमने कहा हाथ हटाओ। राजमाता को जल्दी से बुला लाओ। मैडम, मैडम प्लीज, प्लीज मैडम मेरी बात मानिए।